बट एक खुशी की बात यह है कि नए सिलेबस में से इस चैप्टर काफी डिफिकल्ट वाला पोर्शन आसान था इतना टफ में नहीं था बट येस yes, काफी डिफिकल्ट वाला पोर्शन जिसको माना जाता था उसको रिमूव कर दिया गया है दैट इज सेकेंडरी ग्रोथ यानी कि न्यू एनसीआर में सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में कोई चर्चा परिचर्चा नहीं है इस चैप्टर को छोटा कर दिया गया है अब इस चैप्टर में आपके पास बचा है टिश्यूज टाइप्स ऑफ टिश्यूज इन प्लांट एज वेल एज टिश्यू सिस्टम्स ठीक है तीन तरीके के हम लोग टिश्यू सिस्टम पढ़ने वाले हैं सेकेंडरी ग्रोथ को रिमूव कर दिया गया है तो हम बेटा जी नहीं पढ़ेंगे अगर कोई बच्चा ऑलरेडी बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है लगातार लगातार बहुत सारे टेस्ट में वो इतना स्कोर कर रहा है तो वो मेरा लिंक से जाकर सेकेंडरी ग्रोथ भी डेफिनेटली देखे मैं उन बच्चों को सजेस्ट करती हूँ कि आप डिलीटेड पोर्शन पढ़ सकते हैं बाकी बच्चे बिल्कुल भी हाथ नहीं लगा सकते हैं उनको सिर्फ उसी पे फोकस करना है जो कि न्यू एनसीआरटी में मौजूद है वैसे मैंने पहले कराया हुआ है लेकिन आज और कल में हम इसको नहीं करेंगे ठीक है जी चलिए ये कक्षा किसको समझ आएगी देखिए ट्वेंटी ट्वेंटी फोर वालों को तो आई जाएगी बाकी इनफैक्ट अगर आप ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आपको ये कक्षा एब्सोल्युटली समझ आएगी बिकॉज आपको पता ही है ना हमारी कभी स्पीड ज्यादा हुई ना हमने कभी लिखना छोड़ा है हम बेस से लेकर आपको ऊपर तक लेकर जाते हैं माउंटेन तक लेकर जाते हैं तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे जो नाइन्थ क्लास में टिश्यू पढ़ा था ना वहां से शुरू करेंगे और इसको आगे लेकर जाएंगे तो बहुत आसान है आपको समझ आएगा जनरल जनरल बातें हैं साथ साथ करते जाएंगे सीखते जाएंगे डेफिनेटली हो जाएगा दूसरा एक दो खुशखबरियां आपको इसमें देनी थी पहली खुशखबरी कि आज हम एक चिटचाट या फिर डाउट सेशन में मिलने वाले हैं आज शाम को साढ़े छह बजे क्लास का लिंक ऑलरेडी यहाँ पर पिन कर दिया गया है जहां पर हम प्लान डिस्कस करेंगे आपके डाउट्स लूंगी किसी के भी प्रिपरेशन रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स मैं इस क्लास में लेने वाली हूँ ये एक स्पेशल क्लास है स्पेशल क्लास एक वो क्लास होती है जो की फ्री क्लास होती है और अन अकेडमी की एप पर होती है और कोई अंतर नहीं है बिल्कुल यूट्यूब की तरह ये भी क्लास क्या होने वाली है फ्री क्लास होने वाली तो सब बच्चे इस क्लास में एनरोल कर लेना एक सवा घंटा हम यहाँ पर मिलेंगे एंड सिक्स थर्टी पर वील मीट एट इन दिस क्लास ठीक है जी दूसरी खुशखबरी देखो मैंने बोला था दो खुशखबरियां देनी है दूसरी खुशखबरी ये देनी है कि 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 ऑल स्टार बैच जो यानी आज से शुरू होने वाला था इसको बहुत ह्यूज डिमांड पर शिफ्ट कर दिया गया है छब्बीस यानी कि मंडे को अब ये बैच कब शुरू होने वाला है ट्वेंटी सिक्स ऑफ फेबर जो कि मंडे को शुरू होने वाला है ये क्या है मैम ये बचे हुए अस्सी दिन का आपका मास्त्र है मैं बोलूंगी क्योंकि यहाँ पर आप टीचर की प्रेजेंस में सारी तैयारी करने वाले हैं सारी रिविजन टीचर की प्रेजेंस में होगी इट्स अ फ्रेश क्रैश कोर्स बिल्कुल न्यूली लॉन्च क्रैश कोर्स है एंड ये क्रैश कोर्स 2024 वालों के लिए है इस क्रैश कोर्स में आपको पूरा फिजिक्स पूरा केमिस्ट्री पूरा बायोलॉजी स्टार्टिंग फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स मैं ऑर्डर हम लोग अलग करेंगे लेकिन सारे के सारे चैप्टर्स टू के चैप्टर्स आपको कराए जाएंगे सारे के सारे क्लासेस लाइव क्लास होगी जैसे यूट्यूब पे होती है सारे के सारे टेस्ट होंगे इसमें बहुत सारे टेस्ट टेस्ट सीरीज आपको साथ में मिल रही है लाइव होंगे एंड डेली लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन इसमें रहेगा ये बैच बहुत अमेजिंग बैच है पूरी टीम आपको मिल रही है बायोलॉजी की फिजिक्स की केमिस्ट्री की आप इस बैच में एनरोल हो सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा ठीक है डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा ओके मेरे बच्चों शुरू करें एनाटॉमी बोर्ड स्टूडेंट्स देयर तो भाई अब तो शुरू हो गए बोर्ड्स अब शुरू हो गए हैं तो खत्म भी हो जाएंगे ना ऐसा तो है नहीं कि बोर्ड्स हैं बोर्ड्स हैं कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा सब पल्ले पड़ रहा है सब हो जाता है बेटा पेपर में जब दो साल बचे होते हैं तब भी हो जाता है और पेपर में जब दो दिन बचते हैं ना तब भी हो जाता है वो काम जो आप दो साल में नहीं कर पाए वो काम आप पेपर से पहले दो दिन में कर लेते हो तो बोर्ड्स और कुछ नहीं है आपकी एक्चुअल एक और मैं कि, कैसे दो घंटे की नींद पर सर्वाइव करके मजेदार पेपर टप 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 लिख के आ सकता हूँ बोर्ड्स आर बेसिकली सबके अच्छे नंबर आएंगे टेंशन वाली बात नहीं है अगर आपने नीट के लिए प्रिपेयर किया तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो आप उसका फोड़ के आने वाले हो इंग्लिश इंग्लिश थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना ठीक है एक बारी पढ़ो के आ जाता है फिजिकल एजुकेशन तो आ ही जाता है दौड़ के दिखा देना तो बोर्ड्स का कोई टेंशन नहीं है मेन जो फोकस वाली चीज है दैट इज नीट एग्जामिनेशन है ना और बोर्ड्स में तुम्हें पता चल जाएगा कि कितनी ज्यादा तुम्हारी सिटिंग है तो यू कैन यूज योर दिस सिटिंग यू कैन यूज योर दिस सिटिंग इन योर नीट एग्जाम ओके लेट मी जस्ट सिट सेशन को लाइक क्यों नहीं किया फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए ओके गाइस पीपीएफ निकाल लिया सबने गिव अवे का मैंने नाम दे दिया अच्छा गिव अवे टू पेंडिंग है जिसने जो जो गिव अवे जो जो गिव अवे में जीता है उसको तो मैं नाम दे चुकी ऑलरेडी उसको मिल जाएगा गिव अवे बट इन नेक्स्ट टेन टू ट्वेंटी डेज यू विल रिसीव इट आपके घर के एड्रेस पर रवाना हो चुका है ठीक है बाकी जो बचा है एक और गिव अवे करना है इसको प्रॉबेबली हम नेक्स्ट मंथ में करेंगे मतलब हम कब करने वाले हैं मार्च के मंथ में इसको करने वाले हैं चलो मेरे बच्चों सेशन को लाइक कर दिया नहीं किया कर दो भाइयों सेशन को लाइक कर दो अटेंडेंस अपनी मार्क कर दो क्योंकि अपन लोग काफी इजी देखो अब तुमने मॉर्फोलॉजी कर ली मॉर्फोलॉजी कर ली तो ये चैप्टर तुम्हारे लिए डिफिकल्ट नहीं होगा

किया था आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है इन सबके बारे में तो अपनी उसी यादों को ताजा करेंगे आज नाइन्थ क्लास की यादों को नाइन्थ क्लास के दोस्ती यारी ताजा नहीं करूंगी नाइन्थ क्लास की यादों को ताजा करूंगी कि उसमें कौन से चैप्टर आपने पढ़े थे अच्छा मेरे बच्चों बात बताओ जब भी एक लड़की को हम लोग देखने जाते हैं लड़के को देखने जाते हैं शादी में शादी के लिए पसंद करने जाते हैं ना लड़का लड़की को तो बताओ क्या इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं बताओ शादी के लिए लड़का लड़की को पसंद करने जाते हैं क्या देखा जाता है सबसे पहले देखा जाता है कितनी सुंदर है या फिर वो कितना हैंडसम है यही देखा जाता है बाहर से हाइट वाइट कॉम्प्लेक्शन वेट जबकि ये ये मैटर नहीं करता बट फिर भी ये सब चीजें देखी जाती हैं यानी कि सबसे पहली चीज जो नोटिस की जाती है वो बाहरी सुंदरता है कि बाहर से ये लड़का या ये लड़की कैसा दिख रहे हैं इनके फीचर्स कैसे हैं इनका रंग कैसा है इनकी हाइट कैसी है इनका वेट कैसा है इनकी यू नो हाउ डू दे अपियर इनकी अप्यारिटी कैसी लग रही है ये लोग बोलते हुए कैसा दिखाई दे रहे हैं यानी कि पहली चीज जो फोकस की जाती है किसी भी चीज में जब भी हम देखने जाते हैं दैट इज द आउटर अपेयरेंस दैट इज बेसिकली द आउटर अपेयरेंस आउटर अपेयरेंस की सारी कहानी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आउटर अपेयरेंस का मतलब होता है मॉर्फोलॉजी क्या मतलब होता है मॉर्फोलॉजी क्या मॉर्फोलॉजी हमने चैप्टर पढ़ लिया प्लांट की बात हो रही है पर किसकी शादी कर रहे हैं प्लांट की तो रूट स्टेम लीफ रूट रूट सिस्टम कितने तरीके का है अपना रंग कैसे बदलती है स्टेम अपना रूप कैसे बदलता है लीफ अपना रूप कैसे बदलती है लीफ के कितने टाइप्स है फ्लोरल फॉर्मूला फ्लावर फ्रूट ये सारी बाहरी सुंदरता के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन शादी में बेटा तुम शादी तो चाहे बाहरी सुंदरता से कर लोगे लेकिन असल में शादी निभाता कौन है जो अंदर से सुंदर होता है अंदर से सुंदर होने का मतलब है इंटरनल यू शुड हैव क्वालिटीज लाइक यू शुड बी वेरी नाइस कंपैशनेट एंड केयरिंग लविंग ये सारी क्वालिटीज आप में होनी चाहिए होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए बाहर से ऊपर नीचे थोड़ा हुआ भी थोड़ा नहीं भी अच्छे दिख रहे लेकिन अंदर से पूरी सुंदरता होनी चाहिए तब जाके आप एक अच्छे इंसान कहलाएंगे है ना तब जाके आप एक अच्छे इंसान कहलाएंगे तो अब इस चैप्टर में आज हम अंदर की सुंदरता के बारे में बात करेंगे यानी कि एनाटमी के बारे में बात करेंगे एनाटोमी के बारे में बात करेंगे तो व्हाट इज एनाटमी समझ आया एनाटमी इज वॉट इज बेसिकली स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर किसका स्टडी कर रहे हैं हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी कर रहे हैं अंदर से ये प्लांट कैसा है भाई बाहर से तो रूट स्टेम लीफ सब दिख गया फ्लावर दिख गया फ्रूट दिख गया लेकिन उसके अंदर जब झांक के देखा तो क्या है इसके टिश्यू सिस्टम में कौन कौन सी चीजें हमको ध्यान रखनी है कितने टाइप का टिश्यू है कौन से टाइप के टिश्यू की वजह से ये जो प्लांट है वो हर समय हर टाइम लाइफ लॉन्ग ग्रो करता रहता है इनडेफिनेट ग्रोथ है तो बेसिकली इंटरनल ऑर्गन के बारे में बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे एंड उसी शब्द का मतलब होता है एनाटमी तो आपकी मॉरफोलॉजी अच्छी होनी चाहिए कि एनाटमी बताओ आपकी मॉर्फोलॉजी अच्छी होनी चाहिए या फिर एनाटमी अच्छी होनी चाहिए हाँ जी क्या अच्छा होना चाहिए बता दो क्या अच्छा होना चाहिए यस बेटा आपकी अनाटमी अच्छी होनी चाहिए मॉर्फोलॉजी तो चेंज नहीं हो सकती है लेकिन अंदर से आप अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो अगर आप में कुछ हीन भावनाएं चल रही हैं उन सारी भावनाओं पे आप कंट्रोल ला के अपने आप को एक नियमित बैलेंस्ड अच्छा इंसान बना सकते हैं ठीक है मॉर्फोलॉजी अब हाइट जितनी है क्या करें वेट जितना है क्या करें थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर सकते हैं कॉम्प्लेक्शन जैसे भगवान ने दिए क्या करें कोई दुख नहीं है यू शुड बी यू नो हैप्पी इन योर स्किन बट इंटरनली यू शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग वेरी मच कम्पेशनेट यू शुड बी वेरी मच लविंग हम्बल ये सारी क्वालिटीज आप में होनी चाहिए लेकिन आपकी बात आज नहीं करेंगे आपको तो क्या लगता है सिर्फ आप ही इम्पोर्टेंट है जिंदगी में और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है हम बेटा जी आज प्लांट की बात करेंगे तो आज के गोल बेटा जी प्लांट के टिश्यू सिस्टम पढ़ना है और प्लांट में कौन कौन से टिश्यूज हैं ये देखना है तो टिश्यू क्या होता है छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि सेल के झुंड को हम लोग क्या बोलते हैं टिश्यू बोलते हैं तो दिस इज वन सेल जब ये एक सेल एक ऐसे झुंड में प्रेजेंट हो ये देखो एक ऐसे झुंड में प्रेजेंट हो जिनकी मम्मी एक है जिनकी मम्मी एक है तो टिश्यू इज बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल लेकिन ऐसे कोई भी झुंड नहीं ऐसा ग्रुप ऑफ सेल जिनकी मम्मी एक है मम्मी एक होने का क्या मतलब है जिनका सिमिलर ओरिजन है ठीक है ऐसे सेल्स जिनका सिमिलर ओरिजन है और वो मिलजुल कर कोई एक काम करना पकड़ लेते हैं यानी कि दे टुगेदर फॉर्म टुगेदर दे परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन इकट्ठे मिलकर एक कोई एक ही दौर की तरफ मूव करते हैं अब इनका स्ट्रक्चर बेटा जी सिमिलर भी हो सकता है डिसिमिलर भी हो सकता है जरूरी नहीं है इनकी शक्ल मैच करे कि ना करे सिमिलर भी हो सकता है जैसे हम पैरन कायमा में देखते हैं लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो डिसिमिलर भी हो सकता है जैसे जाइलम जाइलम में वेसल सबकी शक्ल सब अलग अलग है ना सबकी शक्ल अलग अलग है तो भाई शक्ल मैच करे या ना करे मम्मी मैच करनी चाहिए मम्मी मैच मतलब इन सब का मम्मी सेल तो इनका जॉम सेल है जहां से बनते हैं सिमिलर ओरिजिन होना चाहिए दूसरी चीज बेटा मिलजुल कर ये अगर एक काम करेंगे उन सब से क्या बनता है? बनता है है टिश्यू टिश्यू के आगे तुमको ऑलरेडी पता है टिश्यू के आगे बनेगा ऑर्गन ऑर्गन से बनेगा ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन सिस्टम से बनेगा ऑर्गेनिजम क्लियर हो गया तो ये मेरी बात थी कि वॉट इज बेसिकली अ टिश्यू टिश्यू हमने कर लिया अब प्लांट में कितने तरीके के टिश्यूज मौजूद हैं देखिए ये सारे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम सीप ाहजा बायोलॉजी ऑफिशियल मेरा नाम है सीप पाहूजा अपना सब्जेक्ट है बायोलॉजी आगे लगा देना है ऑफिशियल ये सारे नोट्स आपको वहां मिलते हैं आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन क्लास के बाद मिलेंगे लेकिन मेरी दरख्वास्त पता है क्या है ये डाउनलोडिंग डाउनलोडिंग छोड़ो कितना डेटा लोगे फोन की मेमोरी भरती जाती है इससे और कुछ नहीं होता कॉपी काली करो लिखोगे हाथ चलेगा पेन चलेगा तो माइंड भी चलेगा यहाँ ऐसे बैठना नहीं है ठीक है ऐसे करके नहीं बैठना मैं बैठी हूं लेकिन मैं लिख रही हूँ तुम भी बैठे हो तो लिखो नहीं तो खड़े होकर लिखो ओके जी सो मूविंग ऑन टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज भाई प्लांट्स में कितने तरीके के टिश्यू हैं प्लांट के अंदर बेसिकली मोटा मोटा अगर हम देखें तो दो तरीके के टिश्यू हैं कुछ टिश्यू कहते हैं कि भाई मेरे को जिंदगी में एक ही काम है काम क्या है मैं जिंदगी भर डिवाइड करता रहूंगा बस मैं जिंदगी भर प्लांट को डिवाइड करके देता रहूंगा मेरे को जिंदगी में एक ही काम है वन टाइप ऑफ टिश्यू इज गोइंग टू बी मेरिस्टमैटिक टिश्यू कौन सा टिश्यू होता है मरिस्टमैटिक टिश्यू मरिस्टमैटिक टिश्यू क्या है इनका कोई और काम नहीं है कह रहे जिंदगी में बस हम डिवाइड करते रहेंगे सो दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू सेकेंड टाइप ऑफ टिश्यू कह रहे मैं थक गया हूँ मैं थक गया हूँ मेरे को एक काम दे दो मेरे को एक काम परमानेंटली दे दो बस मैं वही काम करता रहूंगा मैं डिवाइड डिवाइड नहीं कर सकता यार मेरे को एक अपना धंधा वंदा चला के दे दो हर समय पढ़ाई नहीं कर सकता इट्स लाइक दैट

मेरिस्टमेटिक टिश्यू ये वो लिविंग सेल होंगे बताओ तुम्हें क्या बनना है पढ़ाई करते रहना है कि नौकरी करनी है वो लिविंग सेल होंगे जो कॉन्टिन्यूसली क्या करते रहेंगे डिवाइड करते रहेंगे दूसरे क्या कहते हैं भाई अपन लोग लिविंग भी हो सकते हैं अपन लोग थोड़े से डेड सेल भी हो सकते हैं जैसे जाइलम में चार में से तीन डेड होते हैं ना डेड भी हो सकते हैं और हमारा काम हमारा काम डिवाइड करना नहीं है डू नॉट डिवाइड हमें एक स्पेसिफिक रोल दे दो हमें परमानेंट कर दो स्पेसिफिक रोल दे दो अपन लोग डिवाइड नहीं कर सकते पढ़ाई नहीं कर सकते यार डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो भाई चलो पहले बात कर लेते हैं उनसे जो पढ़ाई करने के लिए इच्छुक हैं तुम में से तो कोई मेरे नहीं है बेटा तुम कहोगे मेरे को सबको दुकान खोल दो मैं वहां बैठ जाऊंगा पढ़ाई नहीं करूंगा लेकिन लेकिन मैं तुमको बता दूं एक पढ़ाई ही है जो ग्रोथ कराएगी एक पढ़ाई ही है जो तुम्हें तुम्हारे औहदे से ऊपर लेकर जाएगी एक पढ़ाई ही है जो तुम्हें रुतबा तु दिलाएगी औदे से ऊपर लेके जाना मतलब हाइट इंक्रीज करना अपनी गर्थ इंक्रीज करना ये सारी चीजों में आपकी पढ़ाई ही कहीं ना कहीं मदद करती है और जब तुम पढ़ाई के बाद परमानेंट बनते हो तो सुख ही अलग है नौकरी पढ़ाई से पहले नहीं लेनी चाहिए पढ़ाई के बाद लेनी चाहिए अभी तुम देखोगे चलो पढ़ाई वालों के थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक कर लेते हैं मृस्टमैटिक सेल के थोड़े कैरेक्टरिस्टिक कर लेते हैं मृस्टमैटिक सेल कहता है कि भाई हम लोग बड़े छोटे छोटे सेल्स होंगे एंड कॉम्पैक्टली अरेन्ज होंगे देखो स्मॉल सेल है और कॉम्पैक्ट है कॉम्पैक्ट होने का क्या मतलब है कॉम्पैक्ट होने का मतलब है आईसीएस है या नहीं है आईसीएस क्या होता है आईसीएस आपको पता है इंटर सेलुलर स्पेसिस क्या है Absent है 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 नो इनकी जो सेल सेल वॉल वॉल भाई बड़ी पतली थिन होगी सिर्फ हैल्यूलोस से बनी होगी सेल्यूलोसिक सेलवॉल सेल वॉल होगी इनके पास और इनके पास कोई भी सेकेंडरी वॉल नहीं होगी नो सेकेंडरी वॉल आपने पढ़ा ना प्राइमरी वॉल सेकेंडरी वॉल वॉल इनके पास कोई भी सेकेंडरी वॉल नहीं होगी सिर्फ प्राइमरी वॉल होगी इनके पास कह रहे हैं कि बड़ा सेंट्रल न्यूक्लियस होगा अपने पास का मामला इतना बड़ा नहीं है कि सेल में इतना बड़ा वैक्यूल बना दे रहे हैं हमारा जो सेल है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होगा सेंट्रल न्यूक्लियस प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा वैक्यूल अपन लोग रख भी सकते हैं निकाल भी सकते हैं वैक्यूल जो है जो है वो या तो छोटा होगा या फिर अपने निकाल देंगे कोई जगह नहीं है और डेंस साइटोप्लाजम होगा, साइटो होगा। ठीक है खास बात समझ गए पढ़ाई वाले लोग बड़े गहरे होते हैं डेंस होते हैं बहुत पढ़ाया करते हैं साथ साथ अपनी किताबों को जोड़ के रखते हैं नो intercellular स्पेस cellulose की बड़ी हुई सेलमोल कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं कोई सेकेंडरी नहीं कोई टर्सरी नहीं और बिल्कुल सेल वॉल बेसिक चीजों पर अपना ध्यान देते हैं अब जरा दो तरीके का मेरिस्टम करते हैं प्लांट के अंदर कुछ मेरिस्टम होता है जो बचपन से उसके पास प्रेजेंट होता है बाय बर्थ फ्रॉम द स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्ली स्टेजेस एक ये टाइप का मेरिस्टम होता है बेटा जी जो बाद में बनता है तो दो तरीके का मेरिस्टमैटिक टिश्यू है मेरे साथ साथ लिखिए ये चैप्टर लिख लिख के ही आएगा एक बार लिखा हुआ है तो मैंने आपको स्क्रिबल करना सिखाया है ना मेरिस्टमैटिक टिश्यू जो है ये टिश्यू मेरे पास दो टाइप टाइप का होता है डिपेंडिंग अपॉन डिपेंडिंग अपॉन ओरिजन मैं दो क्लासिफिकेशंस करूँगी रुकिए मैं ना यहाँ पर ही बना देती हूँ दो क्लासिफिकेशंस करूंगी एक ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजन एक करूंगी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजन दूसरा करूंगी ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन मेरे पास दो तरीके का मेरेस्टमैटिक टिश्यू हो जाएगा First type of meristematic tissue is going to be, जो कि बचपन बचपन से से पौधे में है। से पौधे में कौन सा होगा, कौन आंसर दे बेटा, में होता है परमानेंट करना पड़ेगा और कोई दुकान वुकान पर मुझे बिठाना पड़ेगा क्योंकि बिना पढ़ाई के बढ़िया नौकरी तो नहीं मिलेगी गले वाली मिल पाएगी मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए ठीक है जी जी तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजन मेरे पास एक तो है प्राइमरी मेरिस्टम जो कि शुरुआत से प्रेजेंट होता है एक दूसरा है सेकेंडरी मेरिस्टम जो बाद में बनता है लेटर स्टेजेस में बनता है ठीक है जी चलिए बात करते हैं प्राइमरी मेरिस्टम की सिंस सिंस सो दिस वन प्रेजेंट ठीक है शुरू से प्रेजेंट होगा ये सब में होता है ऑल प्लांट्स में चाहे वो मोनोकॉट हो ठीक है मोनोकॉट हो चाहे वो डायकॉट हो और इसकी वजह से प्लांट की जो हाइट है वो बढ़ती है क्या बढ़ती है हाइट बढ़ती है हाइट बढ़ने का क्या मतलब है प्राइमरी ग्रोथ कराता है ये कौन सी ग्रोथ बेटा जी कराता है ये कराता है प्राइमरी ग्रोथ हाइट बढ़ने को बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ सेकंड टाइप का सेकंड टाइप का मेरिस्टमेटिक टिश्यू होता है जो बाद में बनता है डिमांड पर सो फॉर्म फॉर्मड लेटर ऑन ठीक है बाद में बनेगा और ऑन डिमांड बनेगा चाहिए होगा तो बनाएंगे नहीं तो नहीं इट्स लाइक like, मैंने पढ़ाई कर ली पढ़ाई करके मुझे अच्छी जॉब मिल गई अब अगर मुझे प्रमोशन चाहिए तो मैं दोबारा पढ़ाई करूंगा आपने बैंक में देखा होगा अगर आपके आसपास कोई बैंक में जाता है तो मान लीजिए वो क्लैरिकल पोजिशन पे ज्वाइन करता है या फिर अपी की पोजिशन पे ज्वाइन करता है अब अगर कल को उसको मैनेजर बनना है तो दोबारा से बनना पड़ता है है ना यानी कि परमानेंट इश्यू अगर दोबारा से प्राइमरी बनने की मेरिस्टमैटिक बनने की बात करें तो वो मेरिस्टमैटिक कहलाएगा सेकेंडरी मेरिस्टम ठीक है जी ये सिर्फ आपको किस में दिखाई देगा ये सिर्फ आपको दिखाई देगा में और इससे जो है ना हाइट नहीं बढ़ती आदमी मोटा होता जाता है आपको पता है प्रमोशन ले लेके क्या हालत होती है आदमी का जो गर्थ है वो बढ़ती है हो जाता है ना बेटा पेट बहुत बाहर आ जाता है गर्थ माने विड्थ बढ़ती है एंड दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड एज सेकेंडरी ग्रोथ दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड एज सेकेंडरी ग्रोथ तो एक तो मैंने ये क्लासीफिकेशन की लोग मोटे हो जाते हैं जो लोग ज्यादा प्रमोशन ले लेते हैं है ना तो इसी वजह से हो जाते हैं बेचारे पढ़ते हैं उस उम्र में पढ़ना भी आसान नहीं है बट कोई बात नहीं मैनेजेबल है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन भाई ये जो प्राइमरी मेरिस्टम है ये प्रेजेंट कहाँ पर है ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन बेटा जी मेरे पास तीन तरीके का ये टिश्यू है तीन तरीके का एपिकल इंटर एंड लेटरल चलो मेरे साथ साथ मनाओ एपिकल यानी कि एपिक्स पे चोटियों पे इंटर किसी के बीच में धंसा हुआ इंटर एंड दूसरा साइडों पे साइडों पे हम इसको क्या बोलेंगे लेटरल साइडों वाले को क्या बोलेंगे मेरे बच्चों लेटरल चलो एपिकल क्या होता है बताओ एपिकल क्या होता अरे डब्बा नहीं बन रहा ये लो चलो जी हाँ जी एपिकल कैसा टिश्यू है अगर मैं बात करूं एपिकल की एपिकल इज समथिंग जो कि प्लांट की हाइट बनाता है और शूट के और रूट के कोनों पर बैठा रहता है कोनों पर बैठने का क्या मतलब है यहाँ पर ध्यान देना ये मेरा सॉइल का लेवल है ये मेरी शूट है और ये मेरी रूट है शूट की टिप बताओ क्या बनाएगी श्याम भैया श्याम भैया कौन है सैम टू टिपिकल और रूट की टिप पर कौन प्रेजेंट होंगे रैम ठीक है 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 जी ये जो है, जो टिश्यू कि शूट की लेंथ लंबा कर रहा है, और रूट की लेंथ लंबा कर रहा है देखो हाइट बढ़ रही है हाइट बढ़ने का मतलब है मोनोकॉट और डायकॉट दोनों में होगा मानते हो ना मोनोकॉट और डायकॉट दोनों में होगा तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ ये चीज भी आपको मोनोकोट में भी मिलेगी और डायकॉट में भी मिलेगी ठीक है जी डाइकॉर्ट में भी मिलेगी अब मान लो मान लो ये मेरा ग्राउंड का लेवल है यहां पर मेरे पास शूट एपिकल मेरिस्टम था यहाँ पर मेरे पास शूट एपिकल मेरिस्टम है कल को इसने लंबा किया शूट को ठीक है शूट मेरी ऐसे लंबी हो गई यहां तक पहुंच गया मेरा शूट एपिकल मेरिस्टम शिफ्ट हो गया ना बेटा कल को और लंबा किया कल को और लंबा हुआ और लंबा होने के बाद मेरा जो शूट है वो और ऊपर चला गया यानी कि धीरे धीरे तुम देख रहे हो पहले सैम की जगह ये थी फिर सैम की जगह ये हो गई

बीच में जो फंसा हुआ बेटा जी टिश्यू है ना मेरिस्टमैटिक टिश्यू है इन बिटवीन परमानेंट टिश्यू तो ये वो मेरिस्टमैटिक टिश्यू है जो कि फंसा हुआ है परमानेंट टिश्यू में परमानेंट टिश्यू के बीच में दो परमानेंट टिश्यू थे बीच में जाके फंस गया इसका भी जो ओरिजन है ये भी बेटा क्या कराएगा हाइट ही बढ़ाएगा और कुछ नहीं कराएगा हाइट बढ़ाएगा यानी कि ये भी शुरुआत से प्रेजेंट है प्राइमरी इन ओरिजिन प्राइमरी इन ऑरिजिन दूसरा बेटा जी हाइट बढ़ा रहा है लेकिन ये चीज आपको डायकॉट में नहीं मिलेगी नॉट इन डायकॉट ये आपको सिर्फ किस में मिलेगी मोनोकॉट में मिलेगी और मोनोकॉट की एग्जाम्पल आप जानते हैं ग्रास हो गया गन्ना हो गया ठीक है ग्रास हो गया गन्ना हो गया ठीक मेरे बच्चों तो ये बात होगी मेरे इंटर कैलरी की दिख नहीं मैं इधर आ जाती हूँ ओहो ये लो अब ठीक है हाँ जी अब ठीक है अब तो ठीक है कोई दिक्कत इंटर कैलरी बता दिया इंटर कैलरी के बाद आ जाइए लैटरल लैटरल माने साइडों पे ये मेरा लैटरल साइड है तो भाई साइडों पे कुछ ना कुछ प्रेजेंट होगा मान लीजिए प्लांट है ये प्लांट की शूट है यहाँ पर साइडों पे इधर 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 यहाँ पर प्रेजेंट वाइज नाम से ही सब कुछ है बेटा प्रेजेंट वाइज अब तुम खुद बताओ क्या ये चीज हाइट बढ़ा सकती है क्या ये चीज हाइट बढ़ाएगी ये तो चौड़ा करेगी चौड़ा करने वाली चीज भाई किसमें प्रेजेंट होती है ओनली इन इनकॉट यानी कि इसका ओरिजन क्या होगा उधर से देखकर बता दो इसका ओरिजन होगा सेकेंडरी इन ओरिजन और दो तरीके का हम सेकेंडरी क्या कहते हैं मेरिस्टम करते हैं वन इज वास्क्यूलर केम्बियम कॉक इज केम ये प्रेजेंट होता है जब हम जाइलम फ्लोएम करेंगे ना उसके बीच में प्रेजेंट होता है And cork ठीक है? ठीक है मेरे बच्चों वास्कुलर केमियम कॉर्क केमियम क्या निदा निदा वॉट निदा है वास्कुलर केम कॉर्क केमियम ये लो हट गई चेयर आप दिख रहे हैं हाँ जी ओके चलिए <coughs> वैसे एक चीज आपको हाईलाइट करनी थी मुझे एनसीआरटी बहुत क्लियर शब्दों में क्या बोलती है कि भाई ये जो मेरे राम है ना राम एक्चुअली टर्मिनल नहीं होते मैंने आपको पिछले चैप्टर में बोला था कि भाई रूट ने क्या पहनी होती है टोपी पहनी होती है इस टोपी को अपन लोग क्या बोलते हैं रूट कैप बोलते हैं तो इस चीज को बहुत ध्यान से यहाँ पर ध्यान देना है कि मेरी एनसीआरटी रूट को टर्मिनल नहीं बोलती है रूट को क्या बोलती है सब टर्मिनल बोलती है इसके हिसाब से टर्मिनल कौन है रूट कैप है रूट कैप क्या है बेटा जी टर्मिनल इन पोजिशन है टर्मिनल इन पोजिशन है अब मैं थोड़ा सा वो पोर्शन कराने वाली हूँ बताने वाली हूँ जो कि कॉमन है प्लांट ग्रोथ रेगुलेशन में भी है इसमें भी यहाँ प्रेजेंट है कि भाई मेरिस्टमैटिक से आपने धंधा कैसे शुरू किया फिर धंधा करने से आप वापस आगे पढ़ाई कैसे करने लग गए यानी कि हाउ We converted meristematic into permanent and how the pom, some of the एंड tissue again became meristematic उस प्रोसेस को अपन लोग क्या बोलते हैं थोड़ा बहुत हम लोग वहाँ बात करते हैं तो क्या आप रेडी हैं उस बात के लिए जो कि कॉमन है कॉमन है दोनों में ठीक है वहाँ भी पढ़ेंगे यहाँ भी पढ़ेंगे ठीक है पढ़ लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है यहाँ भी दिया हुआ तो मेरे पास बेटा सबसे पहले था प्राइमरी मेरिस्टम मेरे पास बेटा जी क्या होता था प्राइमरी मेरिस्टम ये प्राइमरी मेरिस्टम बताओ दो तरीके का बताया कौन से दो तरीके का बताया एक तो एपिकल और एक इंटर कैलरी है प्राइमरी भाई इसका ओरिजिन तो क्या है सेकेंडरी ये दोनों मेरे क्या है प्राइमरी बड़ा बड़ा लिख लो यहाँ बड़ा बड़ा लिख लो किस कलर से लिखोगे इससे लिख लो दिस इज प्राइमरी दिस इज प्राइमरी दिस इज सेकेंडरी तो मेरे पास दो तरीके के प्राइमरी मेरिस्टम है मैंने बोला मेरे पास प्राइमरी मेरिस्टम है एक तो एपिकल दूसरा कौन सा है इंटर गैलरी एपिकल एज वेल एज इंटर गैलरी इनमें इनको क्या करना है डिफरेंशिएट होना है अभी तक तो ये मेरे थे डिवाइड करते रहे डिवाइड करते रहे पढ़ाई करते रहे पढ़ाई करते रहे अब पढ़ाई करके थक गए हैं भाई कोई तो है, नौकरी दिला दो पैसा कमाना काम करना है एक ही काम करेंगे तुम कुछ भी बोल दो सब्जी काटनी है सब्जी काटेंगे खाना बनाना है खाना बनाएंगे और कुछ करना है सब कुछ करेंगे लेकिन मुझे क्या करना है काम दे दो भाई काम दे दो तो भाई प्राइमरी मेरिस्टम ने बोला मैं थक गया हूं मेरे को परमानेंट टिश्यू बना दो इस परमेंट टिश्यू बनाने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं ये कलर दिख पढ़ के कोई एक सब्जेक्ट दे दो मैं वही पढ़ लूंगा ठीक है डिफ्रेंसिएशन डिफरेंसिएशन करने के बाद अभी प्राइमरी मेडिस्टम बन गया है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू क्या बन चुका है प्राइमरी पर्मांट टिश्यू क्या मुझे कोई एग्जांपल दे सकता है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू की भाई प्राइमरी परमानेंट टिश्यू आज पढ़ने वाले पैरन कायमा कॉलन कायमा स्लैरन कायमा फ्लोयम ठीक है सो वी हैव वी हैव पैरन इधर लिख रही हूँ हटती हूँ अभी दिखेगा कॉलन कायमा ये सब प्राइमरी है क्योंकि प्राइमरी से बना है ना क्लैरन कायमा प्राइमरी जयलम प्राइमरी जयलम प्राइमरी फ्लोयम ठीक है प्राइमरी मेडिलरी रेस बड़ा आसान है नाम मेडिलरी रेस अब भाई ये प्राइमरी वाला है प्राइमरी से ही बना है डायकॉट में रखें क्या ना रखें रखना पड़ेगा दोनों में होगा दिस पोर्शन विल बी प्रेजेंट इन बोथ मोनोकॉट एंड डायकॉट ठीक है जी बोथ मोनोकॉट एंड डायकॉट यहां तक का जो मामला है मी जस्ट हाईलाइट इट ये जो है ये वाला मामला जस्ट सेकेंड इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं यस hmm. yes. तो ये सारा जो प्रोसेस है ये प्रोसेस मोनोकॉट्स में भी हो रहा है प्लस डायकॉट में भी हो रहा है ये हर पौधे में होता है प्राइमरी मेरिस्टमैटिक टिश्यू से क्या बनना है प्राइमरी पर्मानेंट टिश्यू बनना है लेकिन डायकॉट्स में डायकॉट्स में प्राइमरी पर्मानेंट कहता है भाई मैं दोबारा से पढ़ाई करना चाहता हूँ मेरे को तुम डिडिफ्रेंशिएट कर दो मरिस्टमैटिक बनाओ तो केस ऑफ डायकॉट्स किस में सब में नहीं सब में नहीं सिर्फ किसकी बात हो रही है डायकॉट्स की ये कहते हैं कि भाई मेरे को पढ़ दोबारा पढ़ने इनको प्रमोशन चाहिए सबको तो प्रमोशन नहीं चाहिए होती कुछ लोग होते हैं कि हम खुश हैं यार मेरे को क्लर्क बना के रखो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है सुकून ज्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ लोग होते हैं मेरे को मैनेजर नहीं बनना है नहीं बनना तो नहीं बनना मुझे पैसे नहीं चाहिए तो वैसे ही है कुछ डायकॉट डायकॉट कहते हैं कि भाई मेरे को तो मैनेजर बनना है मेरे को तो पैसे चाहिए तो यहाँ पर जो प्राइमरी परमानेंट इशू है ये हो जाता है डी डिफ्रेंशियट क्या हो जाता है बेटा जी अरे आज फिर हो रहा है ये हो जाता है मेरे बच्चों डी डिफ्रेंशियट डी डिफरेंशियट हो जाता है डी डिफरेंशिएट होने के बाद बेटा जी ये फिर से पढ़ाई करने लगता है फिर से मेरिस्टम बन जाता है एंड डी डिफ्रेंशिएशन के बाद ये बन जाता है सेकेंडरी मेरिस्टम अभी प्राइमरी मेरिस्टम नहीं रहा ना अब इसको क्या बोलेंगे सेकेंडरी मेरिस्टम बोलेंगे एग्जाम्पल मैंने तुम्हें जस्ट अभी लिखवाई है एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी कॉक केम्बियम एंड वैस्कुलर केम्बियम कॉक केम्बियम एंड वैस्कुलर केम्बियम लिखवाई तुम्हें अभी एग्जाम्पल इससे क्या चौड़ाई बढ़ेगी या लंबाई बढ़ेगी तुम्हें पता है चौड़ाई बढ़ेगी है ना ये गर्थ को इंक्रीज करने में मदद करेंगे अब मान लो पढ़ाई कर ली बन गए मेरे सिस्टम हो गई गर्थ इंक्रीज अब फिर से धंधे पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे फिर से जॉब करने जाएंगे मैनेजर बनेंगे कि नहीं बनेंगे पढ़ते थोड़ा रहेंगे अब ये कहते हैं कि भाई मैंने तो कर ली पढ़ाई वढ़ाई जो करनी थी हो गया मेरा अब मेरे को फिर से क्या कर दो रिडिफ्रेंशिएट कर दो दुकान खोल दो या फिर मेरे को मैनेजर बना दो पढ़ लिया मैंने रीडिफरेंशियट कर दो री माने दोबारा डिफरेंशियट कर दो एंड दोबारा डिफरेंशियट करने के बाद ये बन जाते हैं सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू क्या बन जाते हैं सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू तो प्राइमरी से प्राइमरी पहले मेरिस्टम बना मेरिस्टम बनने के बाद दोबारा क्या बन गया सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू एग्जाम्पल एन एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास है सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोयम ठीक है सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोयम सेकेंडरी मेडिलरी रेज जो ऊपर प्राइमरी लिखा था उसका सेकेंडरी लिख दो ना सेकेंडरी मेडिलरी रेज सेकेंडरी कॉर्टेक्स कॉर्क ये सब क्या है मेरे सेकेंडरी पर्मानेंट टिश्यू है और ये सारी चीज नीचे वाली किस में हुई डाइकॉट्स में हुई ये वाला सारा मामला सिर्फ और सिर्फ किस में हुआ सिर्फ और सिर्फ किस में हुआ मेरे बच्चों डाइकॉट्स में हुआ यस yes, मेरे बच्चों याद हो गया सो दिस इज समथिंग कॉमन जो कि आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेशन में ही पढ़ते हैं कि डिफरेंशिएशन रीडिफरेंशिएशन और डी डिफरेंशिएशन क्या होती है ये मैंने आपको यहाँ पर भी बता दिया कि क्या होती है ठीक है जी चलिए अब हम थोड़े एग्जाम्पल्स पे चलते हैं मूविंग ऑन टू परमानेंट टिश्यू प्राइमरी परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में देखेंगे भाई तुम एक ही टाइप के सेल से बनी हो या फिर मल्टीपल टाइप के सेल से बनी हो इज दिस क्लियर ये पेज हंड्रेड परसेंट क्लियर हो गया यस yes, मेरे बच्चों क्या ये तो आउट हो चुका है है कौन आउट हो चुका विनायक विनायक जी विनायक, मुझे लगता है ऐसा सोच हो जाए आप क्या आउट होने के ज्यादा आसार लग रहे हैं मुझे क्या आउट हो चुका है बताओ क्या आउट हो चुका है सेकेंडरी ग्रोथ आउट हुई है बेटा चैप्टर आउट नहीं हुआ है बहुत गजब है गजब के इंसान हैं गजब के इंसान इसीलिए हैं क्योंकि देखो ये मेरा न्यू बुलेटिन इस न्यू बुलेटिन में सिलेबस दिखाती हूँ मैं तुमको मैं सिलेबस देख देख के पढ़ाती हूँ ऐसे नहीं पढ़ाती हूँ बेटा ये देखो बायोलॉजी प्लांट फिजियोलॉजी इधर स्ट्रक्चरल में आ जाओ क्या गायब हो चुका है बताओ क्या गायब हो गया ये देखो एनाटमी दी है ना ये देखिए एनाटमी एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट ये दिया तो है प्रेजेंट है ना इसने बर्ड लिख दिया एनाटमी तो अपने को करना है लिख दिया वो भी अपने को करना है क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट की तो बात कर रहे हैं ठीक है जी फ्लावरिंग प्लांट की तो बात कर रहे हैं सिर्फ बेटा जी सेकेंडरी ग्रोथ आउट हुई है अगर आप ये पढ़ के नहीं गए कहीं आप आउट ना हो जाए मुझे बस ये लग रहा है कहीं बच्चे आउट ना हो जाएं बाकी तो बेटा सब इन रहेगा बाकी तुम टेंशन मत लो ठीक है और तुम ये चैप्टर ही ना करके जाओ कौन कौन सोचता था कि पूरा चैप्टर निकाल दिया Who used to think? कौन ऐसे सोच सकता है बताओ कौन ऐसे सोच सकता है yes, permanent tissue के बारे में बात करेंगे permanent tissue यानि कि जिस, जो कि जो अब divide नहीं करता जिसको हमने एक स्पेसिफिक फंक्शन डिनोट कर दिया है दो तरीके के परमानेंट टिश्य है जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है ये वो होता है जो कि एक ही तरीके के सेल से बनता है मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल कॉम्प्लेक्स में एक से ज्यादा तरीके के सेल होंगे ठीक है मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल और ये जो कॉम्प्लेक्स है मोर मोर देन देन वन वन टाइप टाइप ऑफ ऑफ सेल सेल से बनता है एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी जो अभी हम करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें से सवाल आ जाता है एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी पैरन कायमा कॉलन कायमा पैरन कायमा के दो भाई कॉलन कायमा बीस का भाई है और मेरा

क्या शुरू करने वाले हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू हम्म हम्म अब ठीक है यस नाउ इट इज फाइन ये रह गया तो लगा दो है ना सिंपल परमानेंट टिश्यू टिश्य जी ओके होमोजेनियस माने सिंपल और हेड्रोजीनियस माने कॉम्प्लेक्स होमोजेनियस का मतलब होता है विच इज सेम तो ये हो जाएगा होमोजेनस और ये इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा हेट्रोजिनस ठीक है हेड्रोजीनस सबसे पहले बेटा सिंपल पॉमोनेंट टिश्यू में आज अभी शुरू करेंगे दैट इज किसको शुरू करेंगे अपन लोग parenchyma को शुरू करेंगे पैर बहुत इंपॉर्टेंट है ऑलमोस्ट हर ऑर्गन में घुसा होता है इट इज अ टाइप ऑफ पैकेजिंग टिश्यू ठीक है सो इट इज फॉर्मिंग द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ द प्लांट मेजर कॉम्पोनेंट है इसमें सिर्फ और सिर्फ जिविंग लिविंग सेल्स होंगे

अभी हमने थोड़ी देर पहले ये क्वालिटी उसमें भी लिखी सेल ठीक है नो सेकेंडरी वॉल नो सेकेंडरी वॉल इज गोइंग टू बी प्रेजेंट सारे के सारे जो सेल्स हैं वो एक जैसे दिखेंगे यानी कि आइसो डायामेट्रिक सेल आइसोडायाट्रिक सेल यहाँ पर होंगे ठीक है अलग अलग शेप हो सकती है बेटा जरूरी नहीं है सबकी शेप ऐसी एक जैसी होगी वी कुड हैव स्फेरिकल सेल ठीक है स्फेरिकल होंगे ओवल हो सकते हैं ठीक है ओवल हो सकते हैं राउंड हो सकते हैं पॉलीगोनल हो सकते हैं ठीक है अलग अलग प्रकार के सेल हो सकते हैं लंबे लंबे भी हो सकते हैं इलांगेटेड इलाटेड आपको किस में मिलता है जाइलम जाइलम और में, और में में ठीक ठीक है याद रखना है तो जाइलम और फ्लोएम में कैसे टाइप का पेरेंट कायमा है इलांगेटेड पैरें कायमा है इस इलोंगेटेड पैरेंट कायमा को स्पेशल नाम दिया जाता है दैट इज प्रायमा क्या नाम दिया जाता है बच्चों प्रोजेन कायमा नाम दिया जाता है अब मेरे बच्चों पैरन का काम क्या है बेसिकली इट्स स्टोरेज टिश्यू जैसे ह्यूमन में या एनिमल्स में एरियोलर टिश्यू नहीं होता वैसा ही है पेरन कायमा एरियोलर टिश्यू भी हर जगह घुसा हुआ है कनेक्टिव टिश्यू है पैरन भी हर जगह घुसा होता है जहां इसको जगह मिलती है खाली जगह घुस के बैठ जाएगा यानी कि पैक करेगा खाली जगह को भरेगा सो मूविंग ऑन टू द फंक्शन फंक्शन यहाँ लिख देते मेजर जो फंक्शन है भाई ये पैकेजिंग करता है जगह को भरता है मोस्ट अपिशू है और इसके तीन मेजर फंक्शन में और लिखूंगी जिसमें मॉडिफिकेशन हो जाती है कई बारी पैरेन्काइमा के सेल के पास क्लोरोप्लास्ट आ जाता है और ये फोटोसिंथेसिस करना चालू कर देते हैं उस पैरेन्काइमा को उस पैरेन्काइमा को अपने लोग बोलते हैं क्लोरेनकाइमा क्या बोलते हैं क्लोरेनकाइमा अगर इनके पास क्लोरोप्लास्ट आ जाए और ये फोटोसिंथेसिस करना आरंभ कर दें फोटोसिंथेसिस करना चालू कर दें जैसे कि मेसोफिल मतलब ये जो मीजोफिल सेल है पत्ती के अंदर वो क्या है वो पैर कायमा है? वो वो है जिसके अंदर बेटा जी फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी आ चुकी है और बताइए और आ जाएगा एरन कायमा और क्या आ जाएगा एरन कायमा एरन कायमा वो है बेटा जी जिस ऐसा पैरन कायमा जिसके पास लार्ज इंटरसेलर स्पेसिस हो हवा के लिए समझ रहे हो लार्ज आईसीएस हो स्पेस हो एयर स्पेसिस हो ये एयर स्पेसिस होने से क्या फायदा होगा पाइन सी हल्की हो जाएगी चीज

सेल वॉल होगी सेल्यूलोस से बनी हुई होगी कोई सेकेंडरी वॉल नहीं होगी साथ ही में हमने देखा कि इनकी शेप कैसी भी हो सकती है स्फेरिकल हो सकती है ओवल हो सकती है पॉलीगोनल हो सकती है लंबे लंबे हो सकते हैं जैसे कि प्रेजेंट होते हैं जाइलम जाइलम फ्लोएम फ्लोएम में में तो लंबे लंबे इनको क्या बोलेंगे प्रोजेन कायमा काम क्या है पैकेज करना बीच बीच में स्पेसेस फिल करना और क्लोरिन कायमा एरन कायमा इडियो में मॉडिफाई होना ठीक है मेरे बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं किस में बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं हाय राम चलो बेटे आपके नॉन कॉम्पिटिटर्स आ गए चैट बॉक्स में खामोश क्या लिख रहे हैं खामोश मोहब्बत का एहसास है वो मेरी ख्वाहिश मेरे जज्बात है वो अक्सर ये ख्याल क्यों आता है दिल में मेरा आगे क्या था अरे डिलीट कर दिया अक्सर ये ख्याल आता है अक्सर एक ख्याल क्या आता है ओहो आप डिलीट करते हुए क्या पढ़ू अक्सर एक ख्याल आता है वह अक्सर ख्याल आता है हाँ लिख दिया अक्सर एक ख्याल आता है ओहो मेरी पहली खोज और आखिरी तलाश है वो क्या बात है बच्चों ताली मार के बाहर निकाल दो इसको ठीक है

चौबीस लाख नहीं है तीन चार लाख ही है बाकी के बीस लाख तो आप है ना बेटा जो अपने आप को हीरो बोलते हैं फेक, so बेटा वो नहीं जो यहाँ शेर शायरी करेगा हीरो कौन hero कौन? हीरो बेटा वो जो जज्बा रखता है चुपचाप लड़ाई में लड़ाई में मेहनत करके उसको जीतने का आप हीरो थोड़े बेटा इनके लिए ताली मार दो इनको ऐसे बुरा ना लगे कॉपी पेस्ट की कोई तो देखो अब तो मिलेगी नहीं है तो ये परमानेंट टिश्यू कहने को सॉरी टिश्यू टाइप है पढ़ाई कर रहे हैं कहने को तो कुछ जॉब वॉब तो मिलेगी नहीं तो ओनली थिंग ही कैन गेट इज आवर एप्रिसिएशन प्लीज अप्रिशिएट एवरी वन इनके लिए थोड़ी ताली थोड़ा यू you नो know, वो हो जाए नहीं तो बेचारे बुरा ना मान जाए बैठना पड़ रहा बेटा मुझे इनकी वजह से

काफी टाइटली पैक्ड है बहुत कम मिलता है बेटा प्लांट में दिस इज लीस्ट फाउंड टिश्यू लीस्ट फाउंड टिश्यू बहुत यूनिक लोकेशन पे मिलता है वैसे लीस्ट फाउंड टिश्यू है और बहुत यूनिक लोकेशन पे मिलता है प्लीज इसकी लोकेशन याद रखना आपको मैंने लीफ की मॉर्फोलॉजी बताई थी ये स्टेम है ये नोड है ये लीफ का बेस है लीफ के बेस से डंडी निकली पिटियोल पिटियोल से निकला ये लीफ का लैमिनाम अब आपको पता है लीफ लहलहाती रहती है क्यों लहलहाती है टूट क्यों नहीं जाती है क्योंकि उसकी पीटीओल में ये पीटीओल है ना क्योंकि उसकी पीटीओल में इसको वेवी करने वाला कौन है, है. तो फर्स्ट लोकेशन इस तो लोकेशन, कल मैं जब स्टेम की एनाटॉमी कराऊंगी तो वहां पर हम लोग देखेंगे हाइपोडर्मिस ऑफ स्टेम यस हाइपोडर्मिस ऑफ स्टेम में भी क्या मिलता है कॉलन कायमा मिलता है इनका भी शेप कैसा भी हो सकता है दे ओवल राउंड हो सकते हैं ठीक है स्फेरिकल हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं पॉलीगोनल हो सकते हैं काम क्या है बताओ यस मेरे बच्चों सेशन को लाइक क्यों नहीं किया काम क्या है सेशन को लाइक करके बताओ सबसे पहले बेटा पीटीओल में प्रेजेंट है लीफ की डंडी में तो स्ट्रेंथ देते ना कि टूट ना जाए है ना मकैनिकल सपोर्ट मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं वैसे ज्यादा मैकेनिकल सपोर्ट तो देखो मरे हुए सेल्स ही देते हैं ये जीवित हैं तो थोड़ा बहुत देते हैं इनमें भी कई बार क्या हो जाती है क्लोरोप्लास्ट होती है समटाइम्स नॉट ऑलवेज इनमें भी कई बारी क्ला क्लोरोप्लास्ट होती है जो कि फूड एसिमिलेशन में मदद करती है जो कि फूड एसिमिलेशन में मदद करती है फूड एसिमिलेशन में मदद करती है और क्या करती है फोटोसिंथेसिस करते हैं

ये मोटा मोटा ये मोटा मोटा ये मोटा मोटा मुझे दिखाई दिया यानी कि इेगुलर सेकेंडरी वॉल थोड़ी थोड़ी मुझे डिपॉजिट होती हुई दिखाई दी ये जो सेकेंडरी वॉल का थोड़ा थोड़ा काम्पोनेट दिखाई दे रहा है ना ये हेमीसेलुलोज और पैक्टिन से बनता है तो जो मैंने व्हाइट कलर से बनाया है ये इसकी प्राइमरी सेल वॉल ही है प्राइमरी सेल वॉल ही है और प्राइमरी सेल वॉल किससे बनती है Cellulosic ही है सेल्यूलोस से बनती है लेकिन ये जो थिकनिंग्स मैंने दिखाई है इरेगुलर थिकनिंग्स इ रेगुलर थिकनिंग ऐसा प्रतीत होता है कि भाई सेकेंडरी वॉल आ गई है इररेगुलर सेकेंडरी वॉल इेगुलर सेकेंडरी वॉल डेपोजिशन टेंजेंशियल वॉल है टेंजेंट्स पे है है ना टेंजेंशियल है और ये सेलुलोज की नहीं बनेगी ये किससे बनेगी हेमी सेलुलोज प्लस पेक्टिन की बनेगी याद कर लो हेमी सेलुलोज एंड पेक्टिन अब तक नहीं आया था अब तक ये नहीं आया था क्लियर कट कॉलन कायमा हो गया कॉलेन कायमा से आखिरी मरा हुआ टिश्यू मरी हुई चीजों से बना हुआ क्लारिन डेड सेल सबसे पहली चीज दे आर मेजरली मेड अप ऑफ डेड सेल्स दे आर मेजरली मेड अप ऑफ डेड सेल्स ठीक है मरे हुए सेल है अगर ये डेड सेल है तो भाई इनकी वॉल इनके सेल के अंदर कुछ होगा डेड हैं मरे हुए हैं प्रोटोप्लाज्म रखूं ना रखूं खोखला कर दूं बताओ इनके अंदर कुछ होगा खोखला करना पड़ेगा ना यार खाली है है ल्यूमेन देयर इज नथिंग इनसाइड अगर कुछ अंदर हो रहा होता साइटोप्लाज्म होता ऑर्गेनली होती फिर तो ये लिविंग हो जाते ना लेकिन ये क्या है ये क्या है मेरे बच्चों डेड है तो लंबे लंबे होते हैं लॉन्ग नैरो पतले पतले अभी मैं बनाऊंगी नैरो जैसे फ्यूसी फॉर्म शेप नहीं होती स्पिंडल शेप होती है उस टाइप से होंगे ठीक है जी यहाँ पर क्या होगा कि पहले तो इनके ऊपर सारा मसाला था पहले जैसे ये मेरे पास सेल वॉल है ठीक है जी सेल वॉल है अंदर प्लाजो मेम्ब्रेन है दिस इज सेल वॉल दिस इज प्लाजो मेम्ब्रेन अभी ये जिंदा था इसकी जिंदगी में पहले बेटा जी जिंदा था फिर क्या हुआ ये मिच्योर हुआ क्या हुआ मिच्योर हुआ मिच्योर होने के बाद भाई के अंदर का सारा मसाला गायब सारा मसाला गायब नो सेल वॉल नथिंग अब ये क्या बन चुका है ओलो बन चुका है मरने की कगार पे आ चुका है फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ धीरे धीरे इसकी वॉल में जो सेलुलोज से बनी हुई थी इसकी वॉल में लिग्निन डिपॉजिट होने लगा लिग्निन डिपोजिशन ठीक है लेकिन इन डेपोजिशन का मतलब है मेरी बॉल ऐसे थी अंदर की साइड पे मेरे पास अंदर की बेटा जी साइड पे लाइक दिस देयर इज गोइंग टू बी लेग्नेन 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 डिपॉजिट हो जाएगा ठीक है लेग्नेन डेपोजिशन इसको अपन लोग क्या बोलेंगे लेग्नेन डेपोजिशन इस लिग्निन की डिपॉजिट होने की वजह से ये जो बीच में है क्या होता जा रहा है छोटा होता जा रहा है कि बढ़ रहा है बताओ ल्यूमन का क्या हो रहा है छोटा हो रहा है बढ़ रहा है बताए ल्यूमन जो है वो स्मॉल हो रहा है धीरे धीरे गायब हो जाएगा इतनी डेपोजिशन हो जाएगी इतनी डेपोजिशन हो जाएगी ना बेटा बहुत छोटा हो जाएगा लिखने ल्यूमेन यानी कि धीरे धीरे ऑब्लिटरेशन खत, खात्मा हो रहा है ऑब्लिटरेशन ऑफ ल्यूमन हो रहा है क्या हो रहा है ऑब्लिटरेशन ऑफ ल्यूमन लिग्निन की डेपोजिशन अंदर की तरफ हो रही है कि बाहर बताओ लिग्निन की अंदर की तरफ हो रही है कि कि बाहर बाहर यस कौन बताएगा अंदर हो रही है है दिख रहा तुमको अंदर हो रही है कि बाहर यस अंदर ही हो रही है ना बाहर थोड़ा हो रही है दिख नहीं रहा अंदर की तरफ बेटा डेपोजिशन हो रही है ये मरे हुए सेल हैं बताओ क्या ही काम कर लेंगे तुम खुद बता दो क्या ही काम कर लेंगे ये एक ही काम कर सकते हैं मरी हुई चीज एक ही काम करेगी प्लांट में दैट इज मैकेनिकल सपोर्ट सो ओनली फंक्शन फंक्शन इज गोइंग टू बी मैकेनिकल सपोर्ट जहां भी डेड सेल देख लो ना मैकेनिकल सपोर्ट तो आएगा ही आएगा देखो लिविंग में भी आता है मैकेनिकल जैसे कॉलन में किया। बट उतना नहीं आता उतना नहीं है इनका तो मेजर फंक्शन क्या है मैकेनिकल सपोर्ट ठीक है जी अब बेटा जी कुछ ऐसी जगह हो सकती है जहां पर लिग्निन जो है एबसेंट है मान लीजिए मेरे पास इस तरीके का सेल है

अब दो तरीके का स्कलैरन कायमा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द शेप ओरिजिन एज वेल एज द डेवलपमेंट पहला मैंने यहां बना ही दिया है दिस इज कॉल्ड एज फाइबर्स वन टाइप ऑफ इज कॉल्ड फाइबर्स और जो गोल गोल होते हैं उनको अपन लोग क्या बोलते हैं स्क्लेरिड्स क्लैरिड्स ठीक है तो फाइबर्स एंड स्क्लेरिड्स फाइबर्स बेटा जी लंबे लंबे फ्यूसीफॉर्म टेपरिंग थिक वोल्ड तो लॉन्ग फ्यूसी फॉर्म फॉर्म का मतलब ही होता है टेपरिंग दोनों एंड से टेपर कर रहे हैं कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं है ना ग्रुप में होंगे होगी, एंड जनरली ग्रुप्स में होंगे एक से ज्यादा ग्रुप्स में होंगे जैसे फ्लोएम फाइबर जाइलम फाइबर जाइलम फाइबर को मैं ही लिखूंगी पूरे चैप्टर में ठीक है ही लिखूंगी मेरे बच्चों फाइबर

ये जो खाली जगह है ना ये बहुत छोटी दिख रही है दिख रही है हां जी दिख रही है कहाँ पर है अखरोट और अखरोट और बादाम की फ्रूट की वॉल में मिलता है एग्जाम्पल अखरोट अखरोट को क्या बोलेंगे वॉलनट फ्रूट वॉल ऑफ वॉलनट एंड ऑलमंडत होती है कि नहीं होती बताओ अखरोट के फ्रूट की वॉल काफी सख्त होती है और अगर आपने बादाम भी छील के देखा है काफी सख्त होती है तो फ्रूट वॉल ऑफ वॉलनट एंड ऑलमंड ऑलमंड ठीक है और बेटा जी कुछ फ्रूट्स uh, हैं जिसके पल्प में भी मिलता है पल्प ऑफ गुआवा पल्प ऑफ गुआवा पियर सपोता दैट इज चीकू ठीक है नाशपाती अमरूद एज वेल एज चीकू और बेटा जी कोटिंग ऑफ लेग्यूम्स सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स हैवी चीज़ है थिक चीज है ऑफ लेग्यूम ठीक है ओके एंड लीज ऑफ टीयर बस इतना बहुत है ओके तो ये मेरी बात किसकी हो गई ये मेरी बात हो गई कायमा की हो गई क्लैरन कायमा के वाले पार्ट की हो गई बच्चों क्लैरन कायमा के स्लरीड वाले पार्ट की हो गई तो विद दिस वी आर डन विथ प्राइमरी टिश्यू प्राइमरी हो गया प्राइमरी पर्मां सॉरी सिंपल पर्मांट टिश्यू में मैंने तीन बताए थे पेरन कायमा स्लैर ये लिविंग है ये भी लिविंग है ये क्या है मेरा डेड है इसमें भी बात कर अबंडेंट है पैकेजिंग में मदद करता है ये पीटीओल ऑफ लीफ और हाइपोडर्मिस ऑफ यंग स्टेम में है और ये मेरा डेड टिश्यू है डेड टिश्यू मैंने आपको बता दिया जहां भी मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए वो होगा दो तरीकों में अरेज है एक फाइबर्स और एक क्या है आपका है। जी मेरे बच्चों बताओ फटाफट से बताओ जरा मैं चेक करूँ तुम्हारी अटेंडेंस लगी है कि नहीं लगी है दिख रही है मुझे नहीं लगी हुई है हम्म, वैसे बेटा मेरे आने का ना मतलब है लगता नहीं है मुझे कभी कभी तुम लोग तो आते नहीं। तुम लोग को लगता है, खुली हो जाएगा जी बेटा ऑल स्टार फॉर फुल सिलेबस ये जो नया क्रैश कोर्स आ रहा है मंडे से पूरा का पूरा सिलेबस दोबारा होगा इसका नाम पुराने जैसा है ऑल स्टार अब वैसे नाम रिलोडेड है बट ये जो, जो नया क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है इट्स अ ब्रांड न्यू कोर्स जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो फिर से फिर से क्या मतलब तुम्हारे लिए तो नया ही है सेवेंटी नाइन के सेवेंटी ठीक है जी सेवेंटी नाइन के बहुत अग्रेसिव तैयारी होगी मजा आ जाएगा तुमको लाइव टेस्ट होंगे लाइव क्लासेस होंगे लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे इट्स बी गुड ठीक है कॉम्प्लेक्स वाले कर लें कॉम्प्लेक्स वाले कर लें चलो शुरू करते हैं ज़ाइलम और फ्लोएम से रेडी रेडी टू तो बेटर स्टार्ट जाइलम एंड फ्लोएम बताओ पैरन कायमा हो गया कॉलिन काय हो गया एंड मूव ऑन करते हैं ना शेप एक सिलेंडर की तरह कर दो पाइपें बना दो मुझे पाइपों में से पानी निकालते रहना अब देखो तुम्हारे घर जो सीवरेज सिस्टम है या फिर वाटर कंडक्टिंग सिस्टम है किस में फ्लो करता है हमारे घर में क्या लगी हुई है किसके अंदर वाटर फ्लो करता है पाइप

ये ये पाइप जो है ये वाटर तो कंडक्ट करेगी करेगी साथ में मैंने बताया, चीज़ क्या देती है? सब बच्चे मैकेनिकल सपोर्ट भी देती है साथ में प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट भी देगी ठीक है जी मैकेनिकल सपोर्ट भी देगी तो दो तरीके का लोग देखेंगे एक जो होता है दैट इज प्राइमरी हमने देखा ना जो कि दोनों में होगा प्राइमरी मोनोकॉट में भी होगा और डायकॉट में भी होगा बोथ इन केस ऑफ मोनोकॉट प्लस डायकॉट ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं पहले दूसरे तरीके से लिख चुके हैं एंड ये प्राइमरी मेरिस्टम बनाएगा प्राइमरी मेरिस्टम बनाएगा और अगर मैं बात करूं सेकेंडरी जाइलम की सेकेंडरी जाइलम की सेकेंडरी वाली चीज सिर्फ किस में प्रस्तुत होगी डायकॉट्स में होगी डायकॉट ओनली अब अगर डायकॉट में है तो इसको कौन बनाएगा इट इज फॉर्म फ्रॉम फ्रॉम सेकेंडरी मेरिस्टम

लेस डेवलप्ड होगा और इसका न्यूमन भी क्या होगा नैरो पानी कम जाएगा पानी क्या होगा कम जाएगा और जो बाद में बनेगा वो बेटर बनेगा सो दिस गोइंग बी मेटाजाइलम प्रोटो एंड मेटाजाइलम है ठीक है ये बाद में बनेगा लेटर ऑन बनेगा अगर बाद में बन रहा है तो मोर डेवलप्ड होगा मोर डेवलप्ड होगा एंड बेटा जी साथ में क्या होगा वाइडर ल्यूमन होगा साथ में क्या होगा वाइडर ल्यूमन होगा ठीक है मेरे बच्चों स्पाइडर ल्यूमिन होगा अब प्रोटोजाइलम कहाँ है ये जो प्रोटोजाइलम बना जो पहले जाइलम बना ये जो प्राइमरी जाइलम पहले बना क्या ये बाहर की तरफ है या फिर अंदर की तरफ है तो डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन इस प्रोटोजाइलम को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है क्या इसकी पोजिशन बाहर की तरफ है तो हम इसको बोलेंगे एग्ज आर्क क्या बोलेंगे एग्ज आर्क यानी कि प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स तो पेरिफ्री प्रोटोजाइलम टवर्ड्स बाहर एक्स का मतलब होता है बाहर एंड का मतलब होता है अंदर टुवर्ड्स पेरिफेरी ठीक है साथ-साथ मेरे याद करो और अगर अंदर की तरफ होगा अंदर की तरफ होगा तो तुम बताओ क्या नाम रखेंगे एंड आर्क क्या नाम रखेंगे एंड आर्क दैट इज प्रोटोज़ाइलम यही प्रोटोज़ाइलम जो स्टार्टिंग में बना दैट इज टुवर्ड्स सेंटर अंदर की साइड पर ऐसा हमें कहा देखने को मिलता है कल मैं पूछूंगी क्योंकि कल मुझे एनाटमी करानी है किसकी रूट स्टेम की तो एक्स आर्क कंडीशन आपको किस में मिलती है एक्स आर्क रूट्स में किस में मिलती है रूट्स में एंड आर्क कंडीशन आपको किस में देखने को मिलेगी स्टेम में तो रूट्स में प्रोटोजाइलम जो है वो बाहर की साइड पे होगा स्टेम में अंदर की साइड पर होगा प्लीज याद करिए प्लीज याद करिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रूट्स में कैसा सिचुएशन है और स्टेम में कैसा सिचुएशन है हाँ जी हो गया चलो जाइलम में मैंने बताया टोटल कितनी आइटमें होंगी कितने तरीके के सेल हैं टोटल बेटा चार तरीके के सेल हैं कितने चार चार में से जो तीन है थ्री आउट ऑफ फोर तो डेड है ठीक है बेचारा एक ही जो सेल है वो क्या है लिविंग है चार में से तीन डेड है एक ही बेचारा लिविंग है तो पाइपें तो डेड ही होती हैं पाइपों में से पानी तो जा रहा है ठीक है जी लेकिन साथ में मकैनिकल सपोर्ट भी मिल रहा है तो कौन से डेड है कौन से डेड हैं दैट इज वेसल्स ओहो वेसल्स लिख दूं रैकिट तुम बताओ रैकिट्स एंड फाइबर्स फाइबर्स को जाइलम पैरेन्काइमा भी बोल सकते हो और जिंदा वाले कौन से हैं एक ही बच गया जाइलम पैरेन्काइमा जाइलम पैरेन्काइमा ये है बेटा जी अपना लिविंग ठीक है ये है अपना लिविंग बेसिक काम इज कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स प्लस मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देंगे देंगे तो वन बाय वन थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं वेस्टल का का फोटो दिखाओ फोटो दिखाओ भाई कैसी है यस yes, मेरे बच्चों फोटो दिखाइए वेसल कैसा दिखता है तो तुम बोलोगे वेसल एक सिलेंडर है क्या है सिलेंडर है ये देखिए इस तरीके का एक सेल है दिस इज हाउ वन सेल लुक्स लाइक एक सेल को वेसल एलिमेंट बोलते हैं वेसल एलिमेंट या फिर वेसल मेंबर बोल सकते हैं वेसल मेंबर बोल सकते हैं ठीक है तो ये देखिए फिर फिर से एक वाल आ एक वाला आ और हो गया ट्यूब बना लेगा तो बहुत सारी छोटी छोटी ट्यूबें रखने की जगह अपन कहते हैं कि तुम क्या करो तुम ना ऐसे लंबी सी ट्यूब बना लो इस लंबी ट्यूब को अपन लोग क्या बोलेंगे वेसल बोलेंगे क्या बोलेंगे वेसल बोलेंगे ठीक तो ये लंबी सी ट्यूब है डेड है ना डेड है तो क्या मैं इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म भरूं बताओ क्या प्रोटोप्लाज्म भरूं तुम बता दो तुम बोलोगे तो भर दूंगी, नहीं तो नहीं भरूंगी बताओ क्या बोलोगे तुम जैसा बोलोगे मैं कर दूंगी भर देती हूं तुम कहते हो तो ऐसे क्या मतलब जाप्ती करनी इसके साथ प्रोटोप्लाज्म भर देते हैं साइटोप्लाज्म ऑर्गेनली ये न्यूक्लियस ये माइटोकॉन्ड्रिया ये ये नहीं भर सकते बेटा जीवित नहीं है ये ये कौन है डेड डेड आदमी के अंदर तुम ये नहीं भर सकते ठीक so है जी इट्स अ डेड सेल सो दैट इज वाई द प्रोटोप्लाज्म इज गोइंग टू बी एबसेंट प्रोटोप्लाज्म एबसेंट है ठीक है एबसेंट है सिलेंडर है ये भी हमें दिख रहा है सिलेंड्रिकल है सिलेंड्रिकल है ठीक है मल्टी सेलुलर है क्योंकि बहुत सारे सेल इसमें जुड़ के एक सिंगल सेल बनाते हैं और सिर्फ एंजियोस्पर्म में होता है ऐसे लोअर सेल्स लोअर वाले प्लांट्स में नहीं होता फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म ओनली ठीक है एंजियोस्पर्म में होता है लेकिन एक एक्सेप्शन है एंजियोस्पर्म बट ऑल्सो सीन इन नेटम ऑल्सो सीन इन नेटम जी एन ई टी यू एम ये जो नेटम है ना ये जिम्नो है तो वैसे तो ये एनजीओ में पाया जाता है लेकिन एक जिम्नो में भी अपन को मिल जाता है एंड वो जिम्नो कौन है मेरा नेटम कौन सा जिम्नो है नेटम ठीक है मेरे बच्चों चलिए तो वेसल की बात अपनी डन हो गई सेकंड टाइप ऑफ डेड सेल्स नाम मैंने डेड सेल्स के यहां लिख दिए हैं वेसल ट्रकीड और जाइलम फाइबर्स ये जाइलम स्क्लेरेनकाइमा अगला जो मेरा सेल है अगला जो मेरा सेल है

होंगे इनकी जो शक्ल है स्मूथ मसल की तरह है यानी कि ये भी क्या है ये टेपरिंग एंड्स की तरह है ये देख लो टेपरिंग एंड्स है इनके अंदर बेटा जी क्या बना दो प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट करके लिग्निन बना दो ये ग्रीन कलर से मैं लिग्निन नहीं बना रही हूँ ठीक है जी तो टेपरिंग एंड्स है टेपरिंग एंड्स कुछ ऐसा नया नहीं है प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट कर दो क्योंकि डेड है प्रोटोप्लाज्म इज गोइंग टू बी एब्सेंट एब्सेंट ठीक है जी थिक लिग्निफाइड वॉल थिक और लिग्निन से बनी हुई वॉल खाली रखना बहुत जरूरी है नहीं तो पानी कैसे जाएगा सीधी सी बात है लिग्निफाइड वॉल ठीक है है लिग्निन कैसे भी हो सकता है? ये एक तो ऐसे हो सकता है लिग्निन दूसरा तरीका है लिग्निन का लाइक like दिस ऐसे भी हो सकता है लिग्न लिग्निन लाइक दिस ऐसे गोल 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 ऐसे भी लिग्निन प्रस्तुत हो सकता है ऐसे एक रिंग फिर एक रिंग फिर एक रिंग या फिर साइड पे डिपॉजिट भी हो सकता है बेटा वेसल तो क्या थे मल्टी सेलुलर थे ये देखो कितने सारे सेल हैं तो बेसिकली वेसल वर मल्टी सेलुलर लेकिन ये जो है ना ये अकेला है दूनीसेलुलर यूनिटेल्यूलर क्लियर हो गया क्लियर हो गया वेसल तो मेरे मल्टी सेलुलर थे लेकिन ये क्या चलेगा यूनिसेलुलर चलेगा लास्ट दो तरीके के सेल रह गए मेरे बच्चों लास्ट दो तरीके के सेल रह गए हैं तो नेक्स्ट टाइप इज गोइंग टू जाइलम एक और डेड इसको कायमा भी बोल सकते हो सीधी सी बात है बेटा डेड है. है तो क्या देंगे मैकेनिकल सपोर्ट इनका एक ही काम है मैकेनिकल सपोर्ट अगला एक जीवित सेल बचा है जीवित सेल को थोड़ा रंग थोड़ा सा जीवित रंग दे देते हैं जीवित रंग ढूंढते हैं एक मिनट रुको जीवित रंग लेके आती हूँ यस yes, पिंक कलर से लिख देते हैं दैट इज जाइलम फाइव पैरेंकाइमा जाइलम पैरेंकाइमा ये एक इकलौते जिंदा सेल्स हैं जाइलम में लिविंग सेल है पैरेंकाइमा है तो स्टोरेज का काम करेगा और मैंने तुम्हें तो बताया ये लंबे-लंबे होंगे लंबे-लंबे होंगे तो क्या बोलेंगे प्रोसेनकाइमा क्या नाम दिया था इनको प्रोसेनकाइमा तो चारों तरीके के सेल्स हो के जाइलम में में ठीक है? हो हो गया? हो गया? अब बेटा जी वैसे तो का काम है रूट से लेकर पानी ऊपर शूट सिस्टम तक लेकर जाना क्योंकि सीधा है एंटी ग्रेविटी अपना चल रहा है एक्शन से सक्शन से अगर हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स हमारे पास चैप्टर होता तो हमारे पास प्रॉपर आता कि किस तरीके से होता है पुल है, रूट प्रेशर है, ये सब चीजें आती लेकिन वो सब अब हट चुका है, है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको पता है, तो तो ले है लेकर ले तो ले जाना है तो रेडियल कंडक्शन ऑफ वॉटर कौन करेगा रेडियल कंडक्शन ऑफ पानी कौन करेगा एक स्पेशल टाइप का पैर है जिसका नाम है रे पैर दिख रहा है रे Parenchyma ठीक है ये क्या है रेडियली प्रेजेंट होगा रेडियस पे तो रेडियस पे भी हमने साइड की ब्रांचेस में भी तो भेजना है सिर्फ तो ऐसे ऊपर थोड़ा भेजते जाएंगे सो दैट इज डन बाय दैट इज डन बाय रेडियल Parenchyma और रे Parenchyma साक्षी शर्मा पूछ रही है प्रगति यही हो क्या तो कहाँ जाए प्रगति बताओ प्रगति को जिंदगी में प्रगति नहीं करनी प्रगति यहीं बैठ के हो सकती है प्रगति के जाने से नहीं हो सकती खाली, खाली क्लास में आ जाओ पे करते हैं ऐसे नहीं होती बेटा प्रगति 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 करने के लिए प्रगति वाली क्लासें लगानी पड़ती है ऐसे नहीं होती है ऐसे नहीं होती है क्लियर हो गया चलिए आखिरी करते हैं आज का पोर्शन दैट इज गोइंग टू बी फ्लोएम की अगर मैं बात करूँ फ्लोएम बेटा जी वाटर कंडक्शन तो का करना और हॉर्मोन्स भी कंडक्ट करना तो कंडक्शन ऑफ फूड इज ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड बोलते वैसे इसको कंडक्शन ऑफ फूड प्लस हॉर्मोन्स मिनरल्स ये सब ये इधर उधर भेजेगा यहाँ पर भी बेटा जैसे मेरे पास जाइलम था ना यहाँ पर ध्यान दो जाइलम था ना दो तरीके का प्राइमरी जाइलम सेकेंडरी जाइलम प्राइमरी जाइलम जायलम यूनो डायकॉट मोनोकॉट दोनों में ये किस में डकॉट में ये भी बिल्कुल वैसे ही प्राइमरी फ्लोएम देन प्राइमरी जाइलम को मैंने डिवाइड किया था प्रोटोजाइलम मेटाजम में तो वो भी प्रोटोफ्लोयम मेटाफ्लोयम ठीक है सेम तरीके से हम डिवाइड करेंगे कुछ नया नहीं है तो जाइलम भी मेरे पास दो तरीके का हो सकता है एक जो दोनों में बनेगा दैट इज़ प्राइमरी फ्लोएम सॉरी फ्लोयम बोल रहे हैं एंड एक जो सिर्फ डायकॉट में होगा दैट इज़ सेकेंडरी फ्लोएम ओनली इन बोथ इन डायकॉट एंड मोनोकॉट मोनोकॉट में भी होगा और बेटा जी डायट में भी होगा जबकि ये ओनली इन डायकॉट साथ बताते जाओ ये तुम कर चुके हो डायट ये किससे बनेगा प्राइमरी मेरिस्टम से ही सेकेंडरी मेरिस्टम से फिर मेरा ये जो प्राइमरी फ्लोयम है ये दो तरीके का होगा कि भाई प्रोटोफ्लोयम जो पहले बनेगा बेटा बाद में बनता है ठीक है अर्ली डेवलपमेंट अर्ली वाला लेस डेवलप्ड होगा है ना अच्छे से नहीं बन पाएगा लेकिन अगला है लेटर लेटर ऑन ऑन बनेगा बनेगा एंड बेटा जी मोर डेवलप्ड होगा मोर डेवलप्ड होगा इसके कंपोनेंट्स क्या हैं भाई जैसे साइलम चार तरीके के सेल का था फ्लोयम भी मेरे पास फोर टाइप्स के सेल का है लेकिन यहां पर मामला उल्टा है यहाँ पर चार में से जो तीन है वो लिविंग है तीन जो है वो लिविंग है एक है जो नॉन लिविंग है नॉन लिविंग का नाम तो तुम जानती हो फ्लोयम या फ्लोएम फाइबर है ना यहाँ तो आ जाएगा फ्लोएम फाइबर या फिर इसको बोल लो फ्लोएम्स क्लैर तो भाई ये मैकेनिकल सपोर्ट तो देगा लेकिन उतना नहीं देगा जितना जाइलम दे सकता है अब लिविंग वाले कौन से हैं लिविंग वाले हैं मेरे पास सी ट्यूब्स कंपेनियन सेल companion cell हाँ जी and and बेटा जी, phloem fiber एक बेटा जी interesting चीज बताऊं interesting चीज बताऊं तुम्हारे काम की तुम्हारे काम की चीज जो बड़ी काम आएगी मैम गिव अवे कर दो गिव अवे कर दो किसका iphone का गिव अवे कर दो सीधा मैकबुक का गिव अवे कर दो तुम्हें माइंड मैप वगैरह तो चाहिए नहीं होते हैं तो जैसे पिछले वीक एक टेस्ट हुआ था जिसके द्वारा माइंड मैप्स माइंड मैप्स नहीं वो क्या कहते हैं स्पीकर्स आई वॉचेस फोन्स स्मार्ट वॉचेस ये सब मिलनी थी वैसा ही एक टेस्ट बेटा जी इस संडे को भी है इस संडे को भी है यस फेब्रवरी ट्वेंटी सिक्स को ये टेस्ट होने वाला है सुबह ग्यारह बजे एंड शाम को पांच बजे जिसके बेसिस पर आपको स्कॉलरशिप तो मिलेगी ही मिलेगी साथ ही में एक्साइटिंग रिवॉर्ड भी मिलेंगे जो मैंने बताया ना जो बच्चे कॉलेज लेकर जाते हैं और फिर फुकरी मारते हैं मेरे पास तो ये मेरे पास तो ये तो बेटा उसको अर्न करिए ठीक है माँ बाप से मत मांगिए कि मुझे ये ले दो वो ले दो माँ बाप ने जो करना था आपके लिए कर दिया है दे हैव ऑलरेडी डन इनफ आपके हाथ में अगर आज फोन है आप ही क्लास देख पा रहे हैं आपको अपने माँ बाप का बहुत शुक्रिया करना चाहिए जैसा भी फोन है फिर वो कुछ भी है ठीक है जी अब आप उनसे मांगना छोड़ दीजिए अब आप खुद अर्न करिए यू कैन अर्न योर डिवाइसेस योर गैजेट्स फ्रॉम हेअर बाय अपियरिंग इन दिस टेस्ट तो ये टेस्ट संडे को होने वाला फ्री है फ्री टेस्ट है फ्री टेस्ट है मैंने आपको एग्जाम्पल बताई थी ना मेरे स्टूडेंट की मेरा एक स्टूडेंट है यहीं से पढ़ा हुआ है प्लस आ, प्लस सब्सक्रिप्शन से ही पढ़ा हुआ है ट्वेंटी पता नहीं वन की बात है मुझे याद नहीं आ रहा वो बच्चे ने इसी टेस्ट के द्वारा दो मैथ बुक्स जीते थे एंड करेंटली इज इन पी जी आई रोहतक दो मैकबुक्स तो सोचो ठीक है मतलब इट्स अ गुड थिंग आपने अपने नॉलेज से इसको जीता एंड नाउ ही उसकी सिलेक्शन भी हो गई थी उसी साल एंड पीजीआई में वो एमबीबीएस भी कर रहा है अब तो उसका सेकंड थर्ड ईयर चल रहा होगा थर्ड ईयर समथिंग है ना थर्ड प्रॉफ चल रहा होगा तो आप भी ले सकते हैं तैयारी करके लेके जाइएगा अपने गवर्नमेंट कॉलेज में संडे को होगा ये टेस्ट और बहुत अमेजिंग छोटा सा टेस्ट होता है आधे पौने घंटे का तो मैं एक लिंक शेयर करूंगी कब संडे आज ही शेयर कर दूंगी आ, अपने टेलीग्राम पे सुबह ग्यारह बजे भी आपके पास एक चांस रहेगा शाम को पांच बजे भी चांस रहेगा लेकिन एनरोल आपको अभी करना पड़ेगा ठीक है अभी करना पड़ेगा एनरोल आपको अभी करना पड़ेगा ओके जी एक मिनट मैंने पेरेंट का मैंने लिखा क्या हाँ 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 ऊपर बेटा हाँ पेरेंट का यस माय बैड बेटा सीप ट्यूब्स कंपेनियन सेल फ्लोएम पैरन कायमा हाँ हाँ पैरें जिंदा है वो तो मरे हुए हैं गुड 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 दिस इज गोइंग टू बी पैर काय माई बैड माई बैड चलिए मेरे बच्चों फ्लोएम के मैंने आपको कॉम्पोनेट्स तो लिखवा दिए अब जरा एक एक कॉम्पोनेट को अपन लोग देख लेते हैं कि सीप ट्यूब कैसे दिखती है और कंपेनियन सेल जो उनके साथी सेल हैं वो कैसे दिखते हैं तो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट वन दैट इज सी ट्यूब बेटा तो इस टेस्ट को ना देना मत भूलना आप कहीं भी पढ़ रहे हो ये टेस्ट आपको एनालिसिस तो कराएगा ही कराएगा बट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको स्कॉलरशिप भी मिल रही है और वो एक्साइटिंग रिवार्ड जीतने का मौका भी मिल रहा है तो जरूर दीजिएगा पहले दिए हुए तो दोबारा दीजिएगा नहीं दिया तो डेफिनेटली देना ही देना चाहिए देखिए स्टीप ट्यूब जो है ना ये भी बिल्कुल वेसल की तरह एनजीओ में ही पाया जाता है एनजीओ एडवांस्ड फीचर है एनजीओ फीचर होने का क्या मतलब है एडवांस्ड फीचर है ये भी मल्टी सेलुलर होते हैं इसमें भी छोटे छोटे वेसल की तरह एलिमेंट्स होंगे जिनको अपन लोग सीव एलिमेंट्स बोलते हैं यहाँ पर क्या होंगे सी एलिमेंट्स होंगे दे आर कॉल्ड एज सी एलिमेंट्स ठीक है जी ये जो सीव एलिमेंट्स हैं सीव सेल्स हैं या फिर इसको सीव सेल बोल लो ये सीव सेल तुम्हें जिमनो विम्नो में मिल जाएंगे जिम्नो में मिल जाएंगे टेरिडो में मिल जाएंगे लेकिन जब ये सारों की क्रॉस वॉल जुड़ के ऐसे एक बड़ा सा सेल बनता है ना सिलेंडर बन जाता है इसको अपन लोग सीव ट्यूब बोलते हैं समझे तो सीव ट्यूब मेरे को सिर्फ और सिर्फ किस में मिलेगा सीव ट्यूब मुझे सिर्फ और सिर्फ एंजूस पम्प में मिलेगा लेकिन जो मेरे सीव सेल हैं ये मुझे जिमनो में भी मिल जाएंगे ये मुझे टेरिडो में भी मिल जाएंगे अंतर समझे अंतर समझे बेटा सीव ट्यूब नहीं मिलेगा जिमनो में जुड़े हुए नहीं मिलेंगे लंबे ट्यूब नहीं मिलेगी छोटे छोटे सेल तो मुझे मिल जाएंगे ठीक है जी तो ये मेरा किसका फीचर है एंजूस पम्प का फीचर है अब ये जिंदा सेल है प्रोटोप्लाज्म बनाऊ के ना बनाऊं तुम बोलोगे तो बनाऊंगे नहीं तो नहीं बनाऊ यस yes, प्रोटोप्लाज्म बनाऊ के ना बनाऊं बनाना पड़ेगा ना जिंदा है तो इसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगी और अंदर मसाला भी रखना पड़ेगा प्रोटोप्लाज्म भी रखना पड़ेगा क्योंकि जिंदा सेल है प्रोटोप्लाज्म भी रखना पड़ेगा ठीक है जी अब इसकी जो एंड प्लेट है दिस इज द एंड प्लेट इस एंड प्लेट में होती है परकोलेशन छोटे छोटे पोर्स होते हैं

इट हैज लॉस्ट इट्स न्यूक्लियस इट हैज लॉस्ट इट्स न्यूक्लियस यानी कि अब ये क्या बन चुकी है एक्स न्यूक्लिएटेड बन चुकी है बिना न्यूक्लियस के बन चुकी ठीक है जी बिना न्यूक्लियस के बन चुकी है ओके जी क्लियर हो गया अब मैं मिच्योर सीप सेल अगर तुम्हें दिखाऊँ तो सेंटर में इसके वैक्यूल होता है बहुत बड़ा इट इज समवेयर लाइक दिस न्यूक्लियस तो रखना नहीं है

दिस इज ऑल्सो इन जो स्पर्मिक फीचर पैरनकाइमा के सेल्स हैं इनमें न्यूक्लियस होता है ठीक है तो अगर मेरा ये सीव ट्यूब है ये लंबा सा तो इसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर कौन घुसे होंगे कंपेनियन सेल तो दे हैव न्यूक्लियस दे हैव न्यूक्लियस ये सीव ट्यूब के अंदर प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करते हैं मेनटेन प्रेशर ग्रेडियंट इन सीव ट्यूब ठीक है प्रेशर ग्रेडियंट एन सी ट्यूब बेटा सब बच्चे आ जाना साढ़े छह बजे साढ़े छ बजे जरूर आइएगा एक डाउट क्लियरिंग और स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना चाहिए ठीक है तो आपका थोड़ा थोड़ा ना ब्रेन जो इधर उधर भटकता है वो फिर से लाइन पे आ जाता है इन सब सेशंस के द्वारा हाफ एन आवर का सेशन होगा इससे ज्यादा नहीं होगा देन है फ्लोएम पैरन बेटा जी फ्लोएम पैरन कायमा भी जिंदा सेल है इलांगेटेड होंगे ठीक है जी काम क्या होगा स्टोरेज ठीक है मेरे बच्चों स्टोरेज करेंगे cell wall, cellulose से बनी होगी किस में नहीं होगा एक ये याद रखना है नॉट इन मोनोकॉर्ट स्टेम मोनोकॉर्ट स्टेम में नहीं होगा ठीक है वैसे तो एनसीआरटी ने मोनोकॉर्ट स्टेम लिखा है बट वैसे पूरे मोनोकॉट में नहीं होता है असली बात ये है पूरे मोनोकॉर्ट में नहीं होता एनसीआरटी ने मोनोकॉर्ट स्टेम लिख दिया है आखिरी सेल बचा आखिरी सेल बचा दैट इज फ्लोएम फाइबर मरा हुआ सेल जिसको फ्लोयम क्लैरन कायमा भी, भी बोल सकते हो क्या बोल बोल सकते हो बास्ट फाइबर भी बोल सकते हो ये बेटा जी सेकेंडरी फ्लोएम में मिलेंगे नॉट इन प्राइमरी फ्लोएम प्राइमरी फ्लोएम में नहीं मिलेंगे तो अगर प्राइमरी फ्लोएम में नहीं है माने सेकेंडरी में सेकेंडरी में नहीं है माने किस में नहीं है मोनोकॉट में नहीं है क्योंकि सेकेंडरी तो सिर्फ डाइकॉट में होती है तो इनका काम क्या हो गया इनका काम हो गया मैकेनिकल सपोर्ट ये मोनोकॉर्ट्स में क्या प्रोवाइड करते हैं मकैनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सिर्फ डाइकॉर्ट में होंगे बाद में बनेंगे और इन्होंने मकैनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है हो गई बातचीत कोई दिक्कत नहीं है बेटा करते रहो मैडम ने यहाँ आके बोलना है टेप रिकॉर्डर चलना है और फिर वो टेप रिकॉर्डर चल के खत्म हो जाना है मैंने तो बेटा चले जाना है अपने अपना काम करने मुझे कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत तुम्हें आएगी हाँ जी कुछ प्लांट्स हैं जिसके फ्लोएम फाइबर्स को अपने यूज करते हैं टू प्रिपेयर कारपेट्स एंड मैट्स है ना कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसके फ्लोएम फाइबर को अपने लोग यूज करते हैं टू फॉर्म कारपेट्स एंड मैट्स सच प्लांट्स आर कौन से प्लांट्स हैं कौन से प्लांट्स हैं जूट है एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी एंड फ्लैक्स जूट एंड इन प्लांट्स के फ्लोएम फाइबर को अपने लोग कालीन बनाने के लिए कारपेट बनाने के लिए यूज करते हैं एंड विद दिस हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर जिसमें मैंने आपको क्या बताया आज अपना क्या था गोल टिश्यूज है ना टिश्यूज हमने सारे टिश्यूज कर लिए बचे क्या हैं टिश्यू सिस्टम बचे हैं एंड एनाटॉमी ऑफ रूट स्टेम लीफ बचा ठीक है जी टिश्यू सिस्टम बचे हैं एंड एनाटॉमी ऑफ रूट स्टेम लीफ तो रेडी तीन तरीके के टिश्यू सिस्टम एपिडर्मल ग्राउंड टिश्यू एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम क्यों करना है वन शॉट में मिस्टर ओपीएस क्या नाम है हाँ जी कह रहे हैं प्लांट किंगडम को वन शॉट में नहीं कराया नहीं कराऊंगी बेटा मैं तो कुछ भी वन शॉट में जनरली तब तक नहीं कराती हूँ जब तक पेपर से तीस दिन पहले ना हो ठीक है मैं तो इसको भी टू शॉट में करा रही हूँ क्यों बेटा एक ही शॉट में करोगे तो मतलब दो शॉट में कर लेंगे तो क्या समझ कम आता है तो समझ ज्यादा अच्छा आता वन शॉट में तुम्हारी क्षमता है छह घंटे बैठने की तुम्हारी होगी बेटा लेकिन मुझे पता है मैक्सिम स्टूडेंट्स की नहीं होती है तो आप उसी सेशन को बिना तीन लेक्ट है तो देखिए पीछे नाम, है, 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 है। बेटा, नाम, के नाम है जाती हूँ मेरे को, मेरे को सही लगता है एज अ टीचर जो बच्चे को समझ आ सकता है नौ नौ घंटे के लेक्चर बेटा समझ नहीं आते हैं बीच में आपका फ्लो टूटता है तो रादर देन पॉजिंग इट जस्ट स्टॉप इट एंड लेक्चर क्या बातें करते हैं मतलब ये तो वही बात होगी कि मेरे को ना दो रोटी नहीं खाता हूं मैं, या मैं तीन रोटी नहीं खाता हूँ बड़ी, तो 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 बड़ी रोटी को खा लोगे तो भी उतना ही पेट भरेगा कान इधर से खींचो कान इधर से खींचो बात एक ही है ठीक है, नाम पे जाना जिसको है बेटा ओम जी, आप मैंने बहुत अच्छे लेक्चर डिलीवर किए हैं और मैं आगे भी करती आऊंगी लेकिन आपके हिसाब से रोटी नहीं बनेगी कि आज छोटी रोटी बना दो कल बड़ी रोटी बना देना ऐसे नहीं होगा ठीक है जी क्योंकि क्वालिटी डिलीवर होती है यहाँ पर मैं पे बात नहीं करती अगर आप चाहते हैं मैं भी हफ्ते में एक बार ही आऊं और एक बड़ी रोटी बना दूं तो वो भी चलेगा लेकिन मैं हफ्ते में एक बार ही नहीं आती हूँ ना बेटा आई कम मल्टीपल टाइम्स आई ऑलमोस्ट कम एवरी डे आप मेरी नीचे क्या कहते हैं प्लस क्लासेस में आइए हम हर दिन मिलते हैं वहां पर तो वहां पर मैं बड़ी रोटी बनाना नहीं सिखाती हूँ कंसिस्टेंसी चाहिए बेटा इंटेंसिटी नहीं चाहिए वो जो बड़ी रोटी बन न, बनती है ना हफ्ते में एक बार ये दो बार ही बनती है ऐसे इतना बड़ा ग्राफ बनता है और फिर जीरो आई डोंट बिलीव इन दैट कंसिस्टेंसी थोड़ा 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 रोज करेंगे शनै शनै करते जाओ और यही आपका भी ट्रिक होना चाहिए पढ़ाई में आप हर एक दिन पंद्रह घंटे सोलह घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होता हर दिन आठ घंटे भी पढ़ लोगे ना बेटा बहुत कुछ हो जाएगा तो वही स्ट्रैटेजी मैं आपको बताती हूँ सो वट एवर आई प्रीच आई फॉलो माई सेल्फ ऑल्सो ठीक है मैं आपको बोलूँ कि तुम थोड़ा थोड़ा पढ़ो और मैं आके एक दिन में कराऊँ और दस दिन गायब हो जाऊँ घूमने चली जाऊँ मैं ये नहीं करती हूँ ठीक है जो करता है आपको अच्छा लगता है तो आप जाइए मैंने प्लान किंगडम बहुत अच्छे तरीके से कराया हुआ है उसको आप कर सकते हैं और दोबारा भी करेंगे तब आप आकर रिवाइज कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो ठीक है मेरे बच्चों तो मिलते हैं अब अपने स्पेशल क्लास में स्पेशल क्लास में बेटा जी साढ़े छः बजे शुरू होनी है यानी कि अभी आपके पास दस मिनट है दस मिनट बाद हम उस स्पेशल क्लास में बात करेंगे कि क्या अपना प्लान होना चाहिए दूसरी चीज़ ऑल स्टार बैच बेटा जी लाइव होने वाला है ट्वेंटी ऑफ फेब्रवरी यानी कि मंडे से शुरू कर रहे हैं इस फ्रेश क्रैश कोर्स को इस क्रैश कोर्स में लाइव क्लासेस लाइव टेस्ट डाउट क्लियरिंग सेशन डेली डाउट क्लियरिंग सेशन होने वाले हैं लिमिटेड सीट्स हैं प्राइस बेटा जी अभी भी चल रहा है थ्री वन नाइन नाइन जैसी

Plus में बेटा जी आपको बाकी के सारे क्रैश कोर्स भी दिखने लगेंगे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे क्रैश कोर्स होते हैं मल्टीपल और बैचेस भी हैं लॉन्ग टर्म बैचेस भी हैं सब दिखने लगेगा लेकिन सिर्फ ऑल स्टार लोगे तो सिर्फ ऑल स्टार ही दिखाई देगा तो प्लस इज इवन इनफैक्ट बेटर इसका भी मैं लिंक नीचे पिन कर जाऊंगी ठीक है जी चलो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक like जरूर करना एंड एंड बेटा जी एक कॉमेंट जरूर करके जाइएगा ठीक है जी कॉमेंट जरूर करके जाइएगा तभी कल की कक्षा होगी कल की कक्षा इसी समय शुरू करेंगे एंड कल चैप्टर को ख़त्म भी कर देंगे ओके okay, मेरे बच्चों चलिए इतनी एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा आई विल सी यू नाउ टुमारो ये सारे नोट्स मैं आपको अपने टेलीग्राम पे अभी थोड़ी देर में सेंड कर दूंगी बाय बाय गाइस टेक केयर